तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज, कौन है वहां? सब कुछ ठीक तो है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे मारना चाहता? लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। दरवाजा टूटा हुआ नहीं है और ना ही ताले पर कोई खरोंच का निशान। मतलब कोई जान पहचान वाला ही घर में घुसा है। चल ये बताओ, और कौन कौन रहता है तुम्हारे अलावा इस घर में? जी मैं अकेली रहती हूँ। अकेली रहती हूँ? अच्छा, जब तुम घबरा कर उठी तब तुमने किसी को देखा घर से भागते हुए या और कुछ? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। घबरा कर चिल्लाई तो होगी, अड़ोस पड़ोस से किसी ने सुना होगा, आए होंगे यहाँ पर, नहीं? सब मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। घर में से कोई चीजें गायब है? जी नहीं, सब चीजें अपनी जगह पर ही है, बस उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। आपके साथ कोई मारपीट की उसने? जी नहीं, उसने मेरा मुंह बहुत जोर से दबाया था और उसके हाथ में खून था। उसने मेरा मुंह तब तक दबाया था जब तक मैं बेहोश ना हुई। अजीब बात है सर, कोई घर में घुसा, कुछ चुराया नहीं, कोई मारपीट नहीं की, बस इसके चेहरे पे खून का निशान छोड़ गया। देखिए मेरा मुंह बहुत जल रहा है, अब मैं अपना मुंह साफ कर सकती हूँ? नहीं प्लीज, बस एक बार हम चेहरे से सारे सबूत उठा लें फिर साफ कर लेंगे, ठीक है? इस सब को क्या पता चलेगा, ये तो सिर्फ खून है। इस खून से ही सब पता चल जाएगा। खून से? खून से। सर वो आदमी इस घर में घुसा तो घुसा कैसे होगा? ताले के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ना ही दरवाजा तोड़ा गया है। हो सकता है इस घर की चाबी हो उसके पास। सर घर की सारी खिड़कियां ठीक तरह से बंद है सर। अच्छा, क्या घर की कोई और भी चाबी है क्या किसी
दूसरे के पास? जी नहीं, घर की चाबी सिर्फ मेरे पास है। वो आदमी बिना किसी वजह के घर में घुसेगा नहीं सर, कोई तो वजह होगी। अच्छा चलो हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पर उसने तुम्हारा मुंह दबाया। वहाँ उस बेड पर। हेलो, कहाँ पर हो आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। आपको पता है यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हो गया? अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है। पूरे घर में हमने देखा, कहीं पर भी खून नहीं, फिर भी उस आदमी के हाथ पर खून आया कहां से और कैसे? और तो सर ये चिल्लाई भी नहीं। हाँ सर, ये चिल्लाई क्यों नहीं? अब कह रही है कि डर गई थी, एक आदमी उसकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है और वो चुपचाप खड़ी देखती रही और कह रही थी कि बेहोश हो गई। बेहोश होने के और भी कोई कारण हो सकते हैं। कौन से कारण सर? फ्रेडी, बेहोश होने का नाटक करो और बाद में कह दो कि मैंने उस आदमी को देखा ही नहीं। और मतलब ये लड़की झूठ बोल रही है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो सबसे ज्यादा चकराने वाली बात ये है सर, खून कहाँ से आया? खून आया तो आया कहाँ से? कोई हाथ का इशारा करके बुला रहा है। कोई सोया पड़ा है क्या? यस सर। आशा, तुम्हारा को बुला। यस सर। अभी कहीं खून इस लाश में से तो नहीं है? सर, बॉडी में तो कहीं खून नहीं है, खून इस लाश में से नहीं आया सर। गॉड, ये कौन है और ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? ये आप ही बताइए, आप ही का घर है, बताइए कौन है ये? सब मैं इसे नहीं जानती। आपके घर में, आपके बेडरूम के अंदर बेड के नीचे कोई लाश रख के चला गया और आपको मालूम नहीं है? सब मैं कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता। मैं बाहर गई थी, इनफैक्ट मैं परसों ही वापस आई हूँ। हो सकता है कि मेरे पीठ पीछे किसी ने ये सब किया हो। ना तो आपको ये मालूम है कि ये लाश यहाँ आई कहाँ से, ना आपको ये मालूम है कि ये लड़की है कौन, और ना ही आपको ये मालूम है कि आपके चेहरे पे ये खून लगा कैसे। कमाल है सर, प्लीज आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि उसने मेरा मुंह दबा लिया था और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अगर ये बात है तो फिर वो खून उस आदमी के हाथ पर आया कहां से? नहीं है, ये खून उसका नहीं है, किसी और का है। अरे यार, किसी और का खून है ये। अरे यार, बता दे, बताती क्यों नहीं, ये खून किसका है, कहां से आया है? ये तो आएगा वो अंकल मेरा प्रद्युमन, और आते ही पूछेगा। क्यों सालुखे, मौसम कैसा है? क्यों सालुखे, मौसम कैसा है? धूप निकली हुई है या बादल छाए हुए हैं? धूप निकली हुई है या बादल छाए हुए हैं? ये लड़की कब मरी? कब मरी ये लड़की? सुन लिया, बारिश हो रही है सर, बारिश। तारिका, पंखा चला दो, एसी ऑन कर दो फौरन। अंकल साहब के पसीने छूट गए सर, काफी ज्यादा गर्मी है। गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो क्या करूं? मेरा मोजा फटा हुआ है, ये टाई मेरी पुरानी है, तो क्या करूं? अबे सालुंखे,
हमने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि इस लड़की की मौत हुई कब। 2 दिन पहले हुई है इसकी मौत। हाँ तो इतना बोल देते तो अच्छा था ना, भड़क क्यों रहे हैं? इसकी मौत दम घुटने से हुई। मतलब सर? अरे क्यों, सांस रुकने से क्या होता? आदमी मर जाता है। और सांस कैसे रुकती है? गला घोटने से। और गला कैसे घुटता है? सांस रुकती है। और सांस रुकने से क्या होता है? दम घुटता है। तो दम घुटने से क्या होता है? सांस घुटता है। सांस दम, दम सांस, दम घुटा तो सांस बंद, सांस घुटा तो मुंह बंद, मुंह बंद तो सांस। सर या तो दम बोलो या सांस। मगर सर अगर किसी ने इसका गला दबाया है तो इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, चिल्लाई होगी, तो आस पड़ोस वालों ने इसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी कैसे नहीं? हाँ चिल्लाई होगी, जरूर चिल्लाई होगी, लेकिन आसपास कोई होगा ही नहीं। हाँ सर, आसपास में कोई पड़ोसी था ही नहीं। तो इसे कहीं और मारा गया है, बाद में इसकी लाश तमारा के घर में रख दी जब तमारा घर पे नहीं थी। सर उनके तमारा के चेहरे पर जो खून लगा हुआ है वो किसका? यार उसी का तो रोना है, उसी के लिए तो अपने कपड़े फाड़ रहा हूँ मैं। ये खून इसका नहीं है बॉस, मैंने DNA मैच करके देखा है दोनों का, ये खून इसका नहीं है। तो फिर किसका है वो खून? क्या मालूम किसका है यार। मालूम नहीं, ये बोल दिया मालूम नहीं, निकल गए पतली गली से। ए अभिजीत, ये पतली गली का नाम मत लेना, मैं वैसे ही बहुत। सर ये दुपट्टा काफी कुछ कह रहा है। देखा डॉक्टर तारिका हमेशा पॉजिटिव बातें करती, आपकी तरह नहीं। जब भी आपकी नैया डूबने वाली होती है हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ के आपके नैया को डूबने से बचा लेती। तो आप उस नैया में बैठो जा करके, जाओ। फिर शुरू हो गए। यस डॉक्टर तारिका, क्या मिला आपको दुपट्टे में से? ये जो दुपट्टे पे निशान है इस पे कुछ लगा हुआ है। क्या क्या मिला है? चॉकलेट, चॉकलेट के निशान मिले, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खा के हाथ पोछ देता है। और छोटे छोटे बच्चों के उंगलियों के निशान भी मिले इस पे, मिट्टी लगे हुए, ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे का मुंह पोछा गया हो। बच्चों की उंगलियों के निशान, चॉकलेट, मिट्टी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी बच्चों की स्कूल में काम करती थी? बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं? नहीं नहीं, हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? इस लड़की को पहचानती हैं? ये काम करती थी यहाँ पर? हे भगवान, क्या हुआ इसे? ये तो क्या हुआ? ये तो साक्षी। साक्षी? इस लड़की का नाम साक्षी है? हाँ। क्या हुआ साक्षी को? इसका खून हो गया है। खून? जी हाँ, हाँ। पर आप लोग कौन है? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, मिसेस जेसी। मैं यहाँ की ट्रस्टी हूँ, नंदिनी। कैसे हुआ ये? यही हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए पूछताछ करने आए साक्षी के बारे में। आप लोग बता सकते हैं साक्षी के बारे में, कैसी लड़की थी वो, उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा साक्षी के साथ? ये कैसे हो सकता है, वो तो बहुत प्यारी लड़की थी और लोग भी उसे बहुत मानते थे और बच्चे भी बहुत प्यार करते थे उसे। अच्छा आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? सर वो सोमवार को आई थी यहाँ पर। सोमवार को आई थी और आज है बुधवार, मतलब उसकी मौत सोमवार को हुई है। क्या? खून नाक में से निकला है? नाक से? हाँ नाक से। सर मगर ये आपको पता कैसे चला? पाशा तरीके हैं पता लगाने के। पहले सुना था, आज देख भी लिया कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकले हुए खून में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। बिल्कुल अभिजीत, वैसे जरा मुश्किल है लेकिन पता लग ही जाता है। चलो मान लेते सारंगी कि तमारा के चेहरे पर जो खून था वो किसी आदमी के नाक में से आया। डॉक्टर साहब खून आदमी के नाक से निकला या औरत के नाक से? अब दया ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन लेकिन जिसका भी ये खून है उसे या तो बहुत टेंशन है या फिर कोई बीमारी। तो हो सकता कि जब खूनी ने तमारा का मुंह बंद कर दिया अपने हाथों से ऐसे, तब टेंशन की वजह से उसके नाक में से खून बह रहा होगा। एग्जैक्टली,
और एक बार ये खून बहने लगे तो फिर रुकना मुश्किल है। सर समझो, अगर खून नहीं रुका तो? डॉक्टर को अगर उसी वक्त नहीं दिखाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस आदमी को शायद हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया? यस, हीमोफीलिया। मैं दिखा, बस ब्लड में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो खून को बहने से रोकते हैं, लेकिन हीमोफीलिया के पेशेंट का खून कभी रुकता नहीं है, जमता नहीं। एक बार बहना शुरू होता है तो आदमी सीधा हॉस्पिटल जाकर के रुकता है। ये देखिए, ये हैं वो सेल्स। सर फिर तो ऐसी हालत में मरीज की मौत भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मौत हो सकती है। और एक बात सर, ये खून जिस किसी का भी है उसकी लंबाई करीबन 6 फीट है। 6 फीट? कमाल, खून देख के आदमी की लंबाई बता दी है? देखा सड़ों के साथ? देखा, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जानकारी मैंने डॉक्टर तारिका को दी है। उसके हाथ का अंगूठा बहुत बड़ा है सर। ये खून देख के ये भी पता चल गया? नहीं नहीं, तमारा के चेहरे पे जो अंगूठे का निशान है वो देखा है हमने, उससे हमें उस आदमी की लंबाई के बारे में पता चला है। अभिजीत, अगर उस वक्त उस खूनी की नाक में से खून बह रहा था तो वो जरूर किसी हॉस्पिटल में गया होगा। एक काम करो, शहर के सारे हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करो, देखो पिछले 2 दिनों में कोई हीमोफीलिया का पेशेंट हॉस्पिटल में गया था क्या। तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, हम लोग साक्षी के माँ बाप से मिलके आते हैं। हमने साक्षी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं मानी। देखो अब क्या हो गया। मैंने साक्षी से कहा भी था कम से कम एक बार तो मुझे उस लड़के से मिलवा दो, मगर नहीं, उल्टा मुझे ही डांटने लगी थी वो। ओ, तो आप लोगों ने उस लड़के को देखा तक नहीं? जी नहीं। बड़ी अजीब बात है, जिस लड़के से आपकी बेटी प्यार करती थी उस लड़के को आप लोग जानते तक नहीं? नाम वगैरह कुछ तो मालूम होगा उस लड़के का, क्या करता था, कहाँ रहता था? ये साक्षी ने कभी बताया नहीं, बस एक बार बोली थी कि वो अमीर घर का लड़का है। अच्छा, और कुछ बताया था उसने? और कुछ ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला हमें। वो क्यों? रात को देर से घर आती थी, उसकी एक सहेली ने बताया वो डिस्को में जाती थी उस लड़के के साथ। सहेली ने बताया था? तो फिर सहेली ने जरूर उस लड़के को देखा होगा। नहीं, वो भी यही कहती है कि उसने भी उसे कभी देखा नहीं, उसे सिर्फ इतना ही मालूम है कि उस लड़के को डिस्को का बहुत ही शौक है। सर खून इसी लड़के ने किया है, इसीलिए पहले से अपनी पहचान छुपा रहा है वो। किस डिस्को के बारे में बता रही थी उसकी सहेली? जी वो कोई रंगीला डिस्को है। रंगीला डिस्को? इस साक्षी के माँ बाप ने यही जगह बताई थी ना? किसी ना किसी को कुछ तो मालूम होगा उसके बारे में। यहां सबको फोटो दिखाओ और पूछो किसी ने देखा है क्या इसे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? हम लोग CID से, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। CID? और मुझसे पूछताछ क्यों सर, मैंने क्या किया? ये तो बाद में पता चलेगा आपने कुछ किया है या नहीं, पहले आप जरा ये देखिए, इस लड़की को देखा है आपने कभी? सर यहाँ पे हर रोज इतनी लड़की आती है कि किसी एक को याद रखना बड़ा मुश्किल है। शायद हमारा बारटेंडर आपकी कुछ मदद कर सकता है। ठीक है, हम लोग उससे पूछ लेते हैं। गुड इवनिंग सर। और सर बताइए क्या लेंगे आप, कौन सा पॉइजन दूं? पॉइजन? ये वाला पॉइजन मिलेगा? किसने मारा सर इसे? मतलब तुम जानते थे इस लड़की को है? नहीं सर, मैं नहीं जानता, कौन है ये? मालूम नहीं कौन है ये है? नहीं सर, नहीं सर, मैंने जब इसे देखा ही नहीं है तो भला मैं कैसे जानूंगा कि कौन है ये? अबे
तुझे देख के लगता है कि खून तूने किया? मैंने? हाँ। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर इसे। सर ये सोमवार को आई थी यहाँ पे। कितने बजे आई थी? सर 9:30 बजे रात को आई थी। अकेली आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? नहीं साहब, अकेले थी। शायद किसी का इंतजार कर रही थी। करीब 2 घंटे बैठी थी सर यहाँ पे। और कुछ? हाँ सर, 2 घंटे के बाद एक लड़का आया था, फिर दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और इस लड़की ने उसके ऊपर दारू फेंक दिया सर। ये लड़का कौन है, तुम जानते हो उसे? हमेशा आता है सर यहाँ पे। वो आज भी आएगा? हाँ सर। हेलो। हाँ क्या? ठीक है ठीक है, हम लोग वहां पहुंचते हैं। ओके। हॉस्पिटल से फोन था, हेमोफीलिया का एक मरीज भर्ती हुआ था कल रात को, उसके नाक से काफी खून बह रहा है। कौन से हॉस्पिटल? लाइफ केयर हॉस्पिटल। ओके, हम लोग शाम को फिर आएंगे। किसी को बोलना नहीं, चोंच नहीं खोलना। ओके। हाँ सर, मैं अपना मुंह बिल्कुल बंद रखूंगा सर। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मनीषा, हमें उनसे मिलना है। जी हाँ है, आप लोग CID से है ना? जी। मैं अभी बुलाती हूँ। डॉक्टर मनीषा कब से आपका इंतजार कर रही थी। हेलो मैम, CID वाले आ गए हैं। हाँ ठीक है मैम, अभी आ रही है, आप लोग प्लीज बैठिए। आइए आइए। कहाँ है वो आदमी? ICU में है। हम लोग मिल सकते हैं? मिल तो सकते हैं, मगर क्या फायदा, वो होश में नहीं है। कुछ पूछना हो तो उसका दोस्त है उसके साथ, उससे पूछ लीजिए। दोस्त इधर है। एक मिनट डॉक्टर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर एक मिनट, आप प्लीज यहीं रुकिए। आइए देखिए क्या है। ओह माय गॉड, ये तो मर गए हैं। किसी ने चाकू मारा इसे। तुम कहाँ थी? मैं तो ये ग्लूकोज की बोतल लेने गई थी। जिसका डर था वही हुआ, लगता है उस दोस्त को मालूम था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। आखिरी बार कब देखा था तुमने इसे? सर यही कोई 10-15 मिनट पहले। 10-15 मिनट? उस वक्त वो आदमी यहाँ पे था? हाँ, किसी से बात कर रहा था फोन पे। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? लंबाई कुछ इनके जैसी थी, भरा हुआ शरीर था, छोटे छोटे बाल थे, और हाँ उसने जींस टी शर्ट पहना हुआ था। अच्छा, तेरे बाहर जाकर देखो ऐसा आदमी दिखता है क्या। उसका नाम मालूम है आपको कुछ? सर नाम तो याद नहीं है, पर हाँ उसने धीरज के लिए एक एंट्री फॉर्म भरा था, तो उस पर उसने साइन भी किया था। उस पर नाम जरूर होगा, मैं फॉर्म लेकर आती हूँ। प्लीज लेकर आइए, या उस फॉर्म को और धीरज की लाश को डॉक्टर सारुंगे के पास भिजवा देते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। सर वो जो लड़का नाच रहा है ना, वही है। काफी मशहूर कबूतर लगता है ये, काफी बड़बड़ा रहा है, देखते हैं क्या करता है। आ रहा है। एक बिया। एक ऑरेंज जूस प्लीज। हाय डॉल। हाय। What's your name, huh? I'm Sub-Inspector Tasha, CID से। Wow, CID? मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद है, मगर तुम जैसी इतनी सुंदर लड़की CID में कैसे? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। अरे यार इतने अच्छे मूड में ये ऊपर वाला बीच में कहाँ से आ गया? ऊपर वाले की भी और मेरे बॉस की भी मेहरबानी है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? है यहीं पे। कहाँ पे? अपने पीछे देखो। आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम आपसे गले मिलने आए हैं। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? इस लड़की का खून हो गया है। खून? हाँ खून। क्यों मारा इसे तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं मारा,
मैं तो जानता तक नहीं। उस लड़के ने तुम्हारे मुंह पे दारू फेंके थे ना? नहीं, मेरा मतलब हाँ वो सब। हाँ वो नहीं क्या, साफ साफ बोलो। सर वो यहाँ पे कब से बैठी थी मुझे पता नहीं, बार बार घड़ी देख रही थी, लग तो ऐसे रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रही है। अच्छा फिर? मैंने सोचा अकेली है थोड़ी बातें कर लूं। मैं जैसे ही उसके पास बैठा तो वो चिल्लाने लगी, मगर तभी उसे किसी ने फोन किया, यहाँ डिस्को के फोन पे। मतलब लैंडलाइन पे? जी हाँ सर। क्या क्या बात कर रही थी, कुछ सुना तुमने? जी मैंने सुना नहीं, मैं बाथरूम चला गया अपना शर्ट साफ करने। और ये सब हुआ कितने बजे? यही लगभग 10 बजे। 10 बजे? दया होटल के लैंडलाइन का रिकॉर्ड मंगवाते हैं, पता चल जाएगा 10 बजे साक्षी को किसने फोन किया था। सर साक्षी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो फिर उसने साक्षी को मारा ही क्यों? ये तो उसी से पूछेंगे फ्रेडी जिसने किया है, एक बार हाथ को लगने दो। सर सर उस हॉस्पिटल से जो फॉर्म मिला है उस पर जो लिखाई है उससे ये पता चला है कि ये आदमी बाएं हाथ से लिखता है। सर एक आदमी एक लेफ्टी है, एक खब्बू। तो धीरज को मारने वाला आदमी एक लेफ्टी है? यस सर। सर हमें इस लेफ्टी को ढूंढना चाहिए सर, साक्षी के खून में भी इसी आदमी का हाथ होगा, तभी तो हमारे वहां पहुंचने से पहले उसने धीरज को भी मार दिया। सर उस रात डिस्को में 9 और 10 बजे के बीच सिर्फ 4 फोन आए। पता लगाया वो चारों फोन कहां से आए? यस सर, चारों फोन करने वालों के एड्रेसेस मिल गए सर। 3 फोन तो उन्होंने किए थे जो डिस्को में माल भेजते हैं। और चौथा फोन? वो फोन सर डिस्को के पीछे एक स्विमिंग पूल है, वहां से किया था किसी ने। इसका मतलब है जब साक्षी वहां डिस्को में इसका इंतजार कर रही थी तो उसने उसे फोन करके स्विमिंग पूल पर बुलाया और फिर उसे मार के उसकी लाश को ले गया तमारा के घर पे। एक काम करो, स्विमिंग पूल पे जाकर अच्छी तरह से छानबीन करो, लेकिन एक बात मत भूलना, खूनी खब्बू है लिफ्टी। लगता है ये वही फोन है जिससे कॉल किया गया था। हाँ हो सकता है। तुम लोग इन लोगों पर नजर रखो, इसको बाहर जाने मत देना। तुम लोग नए मेंबर हो? हाँ। तो पैसे वगैरह ऑफिस में जमा करवा दिए ना? वो सब भर दिया हम लोगों ने। वैसे कौन कौन इस्तेमाल करता है ये फोन? अरे भाई अपना काम करो ना, कौन कौन यूज करता है? क्या करने हो यहाँ पे, जाओ कपड़े उतारो, स्विमिंग नहीं करनी? नहीं आज स्विमिंग का मूड नहीं। तो फिर आए क्यों? एक खून हो गया। खून? हाँ एक लड़की का खून। पर आप लोग कौन है? CID। CID? हाँ CID। और जिस लड़की का खून हुआ है उसे यहाँ इस फोन से किसी ने कॉल किया है, इसलिए पूछ रहे हैं कौन कौन इस्तेमाल करता है ये फोन। पर सर ये फोन तो हम और हमारे स्टाफ के अलावा कोई भी यूज नहीं करता सर। हम लोग भी यही सोच रहे थे, किसी स्टाफ वाले का ही काम है। बुलाओ सबको, इकट्ठा करो स्टाफ वालों को। सर ये लोग जो पूल में नहा रहे हैं ये सब स्टाफ के हैं सर, ये टाइम स्टाफ का ही है सर। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कोई लेफ्टी बाएं हाथ से काम करने वाला लिखने वाला? सर वो तो मालूम नहीं सर। मालूम कैसे नहीं, हम ढूंढते हैं। देख हेलो चेक, जितने भी लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग बाहर आ जाइए, पानी में एक वायरस है। और सुनिए कोई भी लोहे की सीढ़ी की तरफ नहीं जाएगा, उसमें खतरा हो सकता है, हम लोग हैं आपकी मदद के लिए। आइए प्लीज बाहर जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? स्वराज। स्वराज, स्वराज आप अपना हर काम अपने बाएं हाथ से करते हो? हाँ।
लेकिन आपको कैसे पता? आपके काम से। मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ, आजा। साक्षी को जानते हो? साक्षी? कौन साक्षी? मैं किसी साक्षी को नहीं जानता। अभी पता चल जाएगा। काशा, पेन और कागज का इंतजाम करो। पेन का? आजा, चलो। सर? चलो हाँ। कुछ नहीं होगा। इस पेपर पे अपना नाम और पता लिखो। लिखो लिखो। नहीं भैया, मैच नहीं हो रहा, लिखा एकदम अलग है। यहाँ पे तो सिर्फ यही आदमी है जो लेफ्टी है। नहीं सर, यहाँ पर एक और लेफ्ट हैंडेड है। कौन है वो? पुनीत। पुनीत कौन है? बोला बोला उसे। सर वो तो आज देर से आने वाला था। हो रहा सर। ए, रुक। अबे रुक। दया मैं गाड़ी लेके आता हूँ। रुक 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 रुक। मैं सीढ़ी से तुम्हारी बाइक चाहिए। सामने ही है वो, ये शायद कांदिवली की तरफ जा रहा है। हेलो। हाँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कब से ट्राई कर रहा हूं। ये मत पूछ क्या हुआ, जान आफत में फंस गई है। अरे नहीं नहीं, ये सीआईडी वाले हैं ना, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो बता अब मैं क्या करूं? अभिजीत, वो खांगड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर गया है, मैं भी वही जा रहा हूं। अंदर कहीं आसपास होगा, यहाँ से बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ छुप गया हो। काम करो, उसको ढूंढते हैं, चारों तरफ फैल जाओ। और सुनो, और भी लोग हो सकते हैं, होशियारी से। किसने चलाई? माय गॉड, रेडी, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। देखो खूनी यहीं कहीं होगा, संभाल के। पुनीत,
पुनीत, किसने चलाई गोली? पुनीत, किसने मारी गोली? पुनीत जानता था अगर इसे जिंदा पकड़ा गया तो बहुत कुछ उगल देगा, इसलिए मुंह बंद कर दिया इसका हमेशा के लिए। सर, खूनी को हमारी सब बातें पहले से ही पता चल जाती है। हम लोग हॉस्पिटल गए, हमारे पहुंचने से पहले धीरज को मार दिया। इस पुनीत का पीछा करते करते खांगड़ा मिल गए, वहां पुनीत को मार दिया। कोई तो है जो हमारी हर बात पर नजर रखे हुए और इसलिए वो हमसे एक कदम आगे। इतना ही नहीं बात, खूनी एक्सपर्ट भी है, उसे अच्छी तरह से मालूम है गोली कहां मारनी है और कहां नहीं। सर, खूनी एक्सपर्ट तो है लेकिन फिर भी हमसे बच नहीं सकता। ये देखिए मुझे क्या मिला इसके शॉर्ट पे से। फिर से वही आवाज, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते क्यों नहीं? आप लोग इतनी रात को मेरे घर पे, वो भी चोरों की तरह, ये सब क्या बदतमीजी है? हमें तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ क्यों मारा तुमने पुनीत को? पुनीत का खून हो गया? मेरा मतलब है पुनीत, कौन पुनीत? मैं किसी पुनीत को जानती ही नहीं। लगता है अचानक सब कुछ भूल गई है। नहीं नहीं फ्रेडी, भूली नहीं है, भूलने का नाटक कर रही है। अच्छा नाटक है। क्या मतलब? पहले मैंने ही आप सबको बुलाया और ऊपर से आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे। इसे पहचानती हैं आप? जी हाँ, ये तो बिंदी है। मालूम है ये बिंदी है? ये बिंदी हमें पुनीत के कपड़ों में से मिली और ऐसी बिंदी आप भी लगाती हैं। अगर आप पुनीत को नहीं जानती तो फिर आपकी बिंदी पुनीत के कपड़ों में से कहां से आई? हाँ, किसी ने मारा सर पुनीत को, पहले गोली मारी, मोबाइल लिया और फिर वहां से भाग गई खांगड़ा में से। क्यों, कहां भाग रही है? मैंने ही पुनीत को मारा है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर वो आप लोगों को जिंदा मिल जाता तो सब कुछ सच सच बता देता था और मैं फंस जाती। उसने मुझे फोन करके बताया कि सीआईडी मेरे पीछे है, तो मैंने उसे बुला लिया। तो बता अब मैं क्या करूं? तो खांगड़ा मिल में तुमने बुलाया था उसे? जी। पुनीत को कैसे जानती हो तुम? पुनीत और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ साथ काम भी करते थे। कैसा काम? हम सुपारी लेके लोगों का खून करते थे। सुपारी किलर। और धीरज को क्यों मारा पुनीत ने? वो भी हमारे साथ मिला हुआ था। जैसे ही हमें पता चला कि आप लोग हीमोफीलिया के मरीज के पीछे हो जो खूनी है, हम लोग डर गए, इसलिए पुनीत ने धीरज को मार दिया। साक्षी भी तुम लोगों के साथ मिली हुई थी? नहीं। तो फिर क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हमें साक्षी को मारने की सुपारी मिली थी। मुझे नहीं पता था कि पुनीत साक्षी को मेरे ही घर बुला के मार देगा, और ये सब उसने उस वक्त किया जब मैं घर पे नहीं थी। पर उस दिन जब मैं
लौटकर सो रही थी तब धीरे सुन लाश को बेड से बाहर निकाल लेना और तब तक मैं बैग ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा सुन जो भी करना है जल्दी से कर क्योंकि लाश को ठिकाने लगाने के बाद हमें उस वाइन शॉप वाले को भी मारना है। ठीक है टेंशन मत ले एडवांस ले लिया ठीक है। जब मैं होश में आई तब मैंने अपने आसपास किसी को नहीं देखा। मेरा हाथ मेरे मुंह पे लगा और तब मुझे पता चला कि मेरे चेहरे पे खून है। मुझे लगा कि कोई मेरे जान के पीछे है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने पुनीत को फोन किया मगर उसका फोन लगा नहीं और मैं बहुत डर गई थी। और इसी डर के मारे तुमने सबसे बड़ी गलती की हमें बुलाने की। जी अगर आप लोग के आने के बाद पुनीत का फोन आया था। हेलो क्या बोला पुनीत? उसने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है वो हम लोग ही थे और बाकी की बातें वो मुझे बाद में आके बताएगा। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साक्षी को मारने के लिए किसने कहा था? किसने दी थी सुपारी? वो जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा तो बेहतर है सच सच बताओ क्या नाम है उसका जिसने तुम्हें साक्षी को मारने के लिए कहा? वो गालवान ही में रहती है उसका नाम। तुम्हें बड़ा चालाक है सर ऐसी जगह पे छिपाए जहाँ पे किसी को शक न हो। एक काम करो बच्चों को सबको एक तरफ ले लो इकट्ठा करो। आइए बच्चे लोग आइए आइए। ए रुकिए ये बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे रुकिए रुकिए अरे बच्चों को क्यों तंग कर रहे हैं? अरे बच्चों रुक जाओ कहाँ लेके जा रहे हैं? परेशान मत होइए चिंता मत कीजिए हमें बच्चों से कुछ पूछताछ करनी है इसलिए उन्हें एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं। क्या पूछना है बच्चों से? कुछ नहीं सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछ। बच्चों से इस तरह की बात है? देखिए और भी कई लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। कौन है खूनी? आप लोगों में से ही कोई है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम में से कोई खूनी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है मिसेस जेसी ऐसा हुआ है। आप नंदिनी जी से पूछ लीजिए इन्हें तो सब मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको तो पूरी कहानी मालूम है नंदिनी जी। झूठ है ये मुझे कुछ नहीं मालूम। तमारा और पुनीत को आपने ही सुपारी दी थी ना साक्षी को मारने की? मैंने नहीं तो मैंने किसी को सुपारी नहीं दी। तुमने दी है सुपारी हमें सब मालूम है। नहीं मैंने नहीं दी सुपारी। हाँ तुमने ये सब किया क्यों मरवाया साक्षी को? मैं सच कहती हूँ मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी मगर 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 उन पागल लोगों ने उसे मार दिया। क्यों डराया क्यों उसे? क्योंकि मेरा भाई उससे बहुत प्यार करता था अपनी जान से भी ज्यादा शादी करना चाहता था उससे मगर मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो। क्यों?
क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी, गरीब थी वो। अगर अगर उसकी शादी मेरे भाई से हो जाती तो हमारे खानदान की बड़ी बदनामी होती, इसीलिए मैं उसे डराना चाहती थी, ताकि डर कर कम से कम वो मेरे भाई का पीछा तो छोड़ती। खानदान की इज्जत, अब जेल में बैठ के सोचना, बहुत टाइम मिलेगा। खून करने का एक ही अंजाम होता है, फांसी।